गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग क्लास फोर्थ सब्जेक्ट SST बुक ट्रिक। आज हम क्लास फोर्थ की SST का चैप्टर 8 रीड करेंगे। यस, विल बी स्टार्ट चैप्टर 8, आवर नेचुरल रिसोर्स वाटर एंड सॉइल्स। ठीक है, अभी हमने पहले नेक्स्ट इसका चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 7, उसमें क्या था, आवर नेचुरल रिसोर्स के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था, वन्य जंगल और वन्य जीव जीवन। अब हम रीड करेंगे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स में, हमारे नेचुरल संसाधन में और कौन कौन से संसाधन जुड़े हैं। तो इसमें से वाटर एंड सॉइल्स, पानी और मृदा यानी कि मिट्टी, ये आज हम इसमें रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वाटर रिसोर्स एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया। हम इस लेसन के अंदर, हम इस चैप्टर में क्या रीड करेंगे, जो हमारे वाटर रिसोर्स है और जो सॉइल्स है भारत के अंदर, उसके बारे में इसमें हम रीड करेंगे, अध्ययन करेंगे। आर वाटर रिसोर्स, हमारे वाटर रिसोर्स कौन कौन से हैं। वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जो वाटर है वह सभी जीवित चीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉस्ट एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब आप सभी लोग जानते हो कि पानी हमारे लिए किन किन कामों में आता है, हम किन किन यूज में लेते हैं, किस किस की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ड्रिंकिंग, पीने में, नहाने में, खाना बनाने में, वॉश धोने के अंदर, और ग्रोइंग क्रॉप्स और फसल उगाने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। वी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ ओशन। अब हम सभी लोग ये जानते हैं कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, जो 3/4 हिस्सा है इन अर्थ का, उसके हिस्से में किससे ढका हुआ, विथ ओशियन। ओशन पता है आपको, महासागर, मतलब कि अपनी अर्थ है जो 3/4 जो इसका हिस्सा है वो पानी से ही कवर्ड है, इतना पानी है अपनी अर्थ पे। बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज ए सॉल्टी, लेकिन अधिकतर जो इसका पानी है नॉट फिट फॉर सॉल्टी, नमकीन है, एंड नॉट फिट और आइदर ड्रिंकिंग फॉर फ्यूदर, और वह न तो खाना बनाने में काम आता है, न ही पीने में इसका पानी काम में आता है। किसका, ओशंस का, क्योंकि वो कैसे होते हैं, नमकीन होता है, खारा पानी होता है। फ्रेश वाटर इज यूज बाय अस एग्जिट्स इन लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स। हमें जो ताजा पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हम लेक से, रिवर से, स्ट्रीम और पॉन्ड से हमें फ्रेश वाटर प्राप्त कर सकते हैं। और मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन। इन इंडिया फार्मर्स डिपेंड ऑन द मॉनसून रेन्स फॉर देयर क्रॉप्स। हमारे मेन सोर्स पानी के कौन कौन से, जैसे हमें क्या है मेन, हमारा रेन, बारिश, बारिश के अंदर से ही में इन इंडिया भारत में, और जो फार्मर्स है वो डिपेंड ऑन द मॉनसून रेन्स ऑफ देयर क्रॉप्स। जो किसान है वो किस पे डिपेंड रहते हैं, मॉनसून की जो बारिश आती है उस पे ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उसी से फसल उगती है। तो हमारा मेन सोर्स क्या है, रेन, बारिश का पानी। सम प्लेस गेट ए लॉट ऑफ रेनफॉल, व्हाइल अदर प्लेसेस रिसीव वेरी लिटिल रेन। लेकिन कुछ स्थानों पर क्या होती है, सेम बारिश नहीं होती, कहीं पे ज्यादा होती है और कहीं पे लिटिल रेन, बहुत कम होती है। मोर इवर द मॉनसून प्रोवाइड रेन ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स इन द ईयर। और अधिकतम जो मॉनसून आई है हमें कितने महीने ही, कुछ ही महीनों में हमें रेन वाटर प्रोवाइड करवाता है। ये पूरा साल भर थोड़ी चलता है मानसून का सीजन, ये तो 3-4 महीने चलता है ना, तो उसी सीजन में हमें बस उसी कुछ महीनों में हमें पानी मिलता है। इरीगेशन, इरीगेशन सिंचाई, इरीगेशन में से पता चल गया सिंचाई। फार्मर्स नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर टू ग्रो क्रॉप्स। अब जो फार्मर्स है, जो किसान है, इनको सिंचाई की मतलब क्रॉप्स उगाने, फसल उगाने के लिए साल भर ही पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और मानसून तो केवल कुछ ही महीने बारिश दे पाता है, कुछ ही महीने हमें पानी प्रोवाइड कर पाता है। बट जो किसान लोग होते हैं जिनको तो पानी पूरे साल भर ही चाहिए फसल उगाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, देखो, देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व वाटर बाय बिल्डिंग कैनाल्स, डैम्स, रिजर्व एंड लैंड। तो वो क्या करते हैं, जो पानी आता है, जो बारिश का पानी आता है, उसको कंजर्व करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। तो वी नीड टू कंजर्व वाटर बाय, तो हमें पानी की, इसके लिए हमें क्या होती है, पानी की कंजर्व करने की आवश्यकता होती है। तो हम कैसे करते हैं, बिल्डिंग कैनल्स, हम क्या बनाते हैं, कैनल्स बनाते हैं, डैम्स, बांध बनाते हैं, और हमारे जो रिजर्व है, जलाशय एंड टैंक्स है, उनको हम बनाते हैं ताकि हम उसमें पानी का संरक्षण कर सके, पानी को कंजर्व कर सके।
canals are channels that are dug in the ground to take water from the rivers to the fields. जो canals हैं उनको channels हैं और कैसे उनको क्या करते हैं ground to take water पानी के अंदर उनको नीचे जमीन में खोदते हैं और उनके जो canals channels हैं वह जो rivers होती है हमारी नदियाँ होती है उस जो खेतों उसका पानी खेतों में पहुँचाने के लिए ये canals यानी नहरें बनाई जाती है जो कि उनको जमीन के ऊपर खोदा जाता है जिससे कि rivers का पानी है वह खेतों में पहुँचाया जा सकता है इन सब places लेकिन कुछ स्थानों पे wells are dug to bring underground water to the surface और कुछ स्थानों पर कुएं भी खोदे जाते हैं जिससे भी जमीन से भी पानी की सतह में पानी से निकाला जा सकता है When underground water is found very deep लेकिन जब अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही नीचे रहता है पानी की सतह से भी जो अपनी अर्थ की सतह है उससे भी नीचे वो पानी प्राप्त मिलता है बहुत नीचे गहरा रहता है तो द सरफेस होल्स आर डग विथ द हेल्प ऑफ मशीन्स टू रीच दिस वाटर तो उस पानी के तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं मशीन के द्वारा वहां पे एक छेद किया जाता है और वहां से फिर पानी तक पहुंचा जाता है देन ट्यूब्स आर संक थ्रू दीज होल्स तो उसमें क्या करते हैं ट्यूब्स उसमें डाले जाते हैं उस होल्स के अंदर और उसके द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता है द अंडरग्राउंड वाटर इज ए ब्रॉथ नेक्स्ट टू द सरफेस थ्रू दीज ट्यूब्स विथ द हेल्प ऑन इलेक्ट्रिकल और डीजल पंप तो उन ट्यूब्स के द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता है जो किसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल या डीजल पंप की सहायता से वो ट्यूब चला जाता है दिस इज कॉल्ड ए ट्यूब वेल तो उन्हें क्या कहते हैं ट्यूबवेल Tube wells are used for irrigation in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat. Tube wells से कहाँ कहाँ सिंचाई की जाती है irrigation मतलब बताया था मैंने आपको सिंचाई पंजाब में हरियाणा में उत्तर प्रदेश एंड गुजरात के इलाकों में इन सम प्लेसेज कुछ स्थानों में इट इज डिफिकल्ट टू डिग वेल्स कुछ स्थानों में क्या कुएं खोदना भी मुश्किल होता है हियर रेन वाटर इज स्टोर इन टैंक्स तो वहाँ पे क्या किया जाता है वहाँ पे जो बारिश का पानी आता है उसको स्टोर किया जाता है उसका संरक्षण किया जाता है इन टैंक्स के द्वारा और पॉन्ड्स में उनका संरक्षण किया जाता है एंड इज लेटर यूज फॉर एग्रीकल्चर और उसके बाद में उस पानी को कृषि में के काम में लिया जाता है दिस इज द मोस्ट कॉमन इन साउथ इंडिया ये अधिकतर कहाँ पे होता है अपने दक्षिणी भारत में ही काम होता है डैम्स आर फॉल्स बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू होल्ड बैक द फ्लो ऑफ वाटर डैम्स आर वॉल्स बिल्ट अक्रॉस द रिवर जो ये डैम्स है ये कहाँ पे बने रहते हैं रिवर के ऊपर बने रहते हैं बैक द फ्लो वाटर जो उसके पानी को फॉलो कर सकते हैं दीज वॉल्स हैव स्पेशल गेट्स कॉल्ड सेल्स गेट्स और जो ये दीवार जो बनाई जाती है कौन सी जो डैम वाली जो दीवार बनाई जाती है जो उसके स्पेशल गेट होते हैं उनको सेल्सिस गेट कहते हैं विच कैन बी ओपन एंड क्लोज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर और ये गेट क्या काम आते हैं उनको तब खोला और बंद किया जाता है जब पानी के वाटर को उस वाटर पानी का जो फ्लो होता है उसको उसका वो कम या ज्यादा करने के टाइम उसको खोला या बंद किया जाता है वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्व्स आर्टिफिशियल लेक बिहाइंड द डैम वो जो ये पानी है जो डैम के पीछे एक बना हुआ रहता है रिजर्व यानी आर्टिफिशियल लेक जलाशय बना हुआ रहता है वहां इस पानी को स्टोर किया जाता है कैनाल्स आर डग टू टेक दिस स्टोर्ड वाटर टू द फील्ड्स और कैनाल्स द्वारा फिर जो पानी स्टोर किया जाता है उसको कैनाल्स यानी नहर द्वारा फिर इस पानी को फील्ड्स यानी खेतों में सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है इन ए डैम एक बांध में वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट इन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और जो डैम में क्या होता है बांधों में पानी के द्वारा हाई जनरेट इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी पता है ना आपको बिजली दिस इज आल्सो नाउन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इसको क्या बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो यानी कनेक्ट विथ वाटर जो कि पानी के द्वारा बनती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी इसको पन बिजली भी कहा जाता है बिकॉज वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इट क्यों कहा जाता है इसको पन बिजली क्योंकि ये पानी के द्वारा ही बनाई गई है क्योंकि पानी ने वाटर ने इसको प्रोड्यूस किया है डैम्स आल्सो कंट्रोल फ्लूड्स एंड हेल्प इन ब्रीडिंग फिश वो डैम्स और क्या काम आते हैं ये जो फ्लूड्स बाढ़ आती है उसको भी कंट्रोल करने में और हेल्प इन ब्रीडिंग फिश और मछली ये प्रजनन के अंदर भी ये डैम्स काम आते हैं यूज आते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसके क्या और दूसरे प्रोजेक्ट है
When dams are built to serve a more than one purpose, they are called multi-purpose project. When से ब्लड जो जब डैम्स बनाए रहते हैं तो वह और तरह तरह से और भी एक से ज्यादा अनेक कामों में काम आते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है. सम ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, कुछ मल्टीपर्पज इंडिया में कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं. भाखड़ा नागल डैम, कौन से डैम, भाखड़ा नागल डैम. इट इज ब्लूट ऑन द रिवर सतलज इन हिमाचल प्रदेश. जो भाखड़ा नागल डैम है ये कहाँ बनाई गई है, सतलज रिवर पे, कौन से रिवर पे, सतलज, जो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश. और इन द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, और इंडिया का सबसे बड़ा डैम है कौन सा, भाखड़ा नांगल डैम. इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, ये क्या हमें पानी किस लिए पकता है, इरिगेशन, सिंचाई के लिए प्रोवाइड करता है. एंड आल्सो सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू दिल्ली, और क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जो दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग स्टेट, जो दिल्ली के साथ साथ उसके जो पास वाले इलाके स्टेट है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है. नेक्स्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कौन सा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट. इट इज बिल्ट ऑन रिवर दामोदर, ये कहाँ पे बनाया गया है, रिवर दामोदर, दामोदर नदी पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, कौन सा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट. इट इंक्लूड ए नंबर ऑफ डैम्स दैट प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन टू वेस्ट बंगाल, ये सबसे बड़ा वो डैम्स है जो कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में. फिर है थर्ड फरका बैरेज, कौन सी, फरका बैरेज. इट इज ए ब्लूट ऑन द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल, ये कहाँ पे है, गंगा नदी का, वेस्ट बंगाल में बनाया गया है, कौन सा, फरका बैरेज. इट सप्लाइज वाटर टू वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ये कहाँ कहाँ को वाटर सप्लाई करता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को. फिर नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम, कौन सा डैम, सरदार सरोवर डैम. इट इज ए ब्लूट ऑन रिवर नर्मदा, ये कौन से रिवर पे बनाया गया है, नर्मदा रिवर पे ये बनाया गया. इट प्रोवाइड वाटर टू द ड्राई एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, कौन कौन से जो ड्राई लेते हैं, ड्राई स्टेट है, उनको ये वाटर प्रोवाइड करवाता है, राजस्थान और गुजरात को. फिर नेक्स्ट है हीराकुंड डैम, इट इज ए ब्लू ऑन ए रिवर महानदी इन उड़ीसा एंड इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया. अब देखो आप, ये कौन सी डैम है, हीराकुंड डैम, ये बहुत ही फेमस डैम है. इट इज ए ब्लूट ऑन द रिवर महानदी, ये महानदी की नदी पे, रिवर पे बनाया गया है, जो कि क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा में है. और ये सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम. फिर आगे है नागार्जुन सागर एंड इडुक्की डैम, नागार्जुन सागर डैम एंड इडुक्की डैम. द नागार्जुन सागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा, जो नागार्जुन सागर डैम है वह रिवर कृष्णा के ऊपर बनाया गया है एंड लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन, कौन कौन सी, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी की जो बॉर्डर है, कौन कौन से स्टेट, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे जो कृष्णा रिवर है उसके ऊपर ही नागार्जुन सागर डैम बनाया हुआ है. ओके, द इडुक्की डैम, और जो इडुक्की डैम है इज ब्लिट ऑन द रिवर पेरियार इन केरला, जो केरल के अंदर पेरियार रिवर है उसके ऊपर बनाया गया, कौन सा, इडुक्की डैम. बोथ ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट डैम्स इन साउथ इंडिया, और ये दोनों ही डैम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है कहाँ के लिए, दक्षिणी भारत के लिए, साउथ इंडिया के लिए. यस, नेक्स्ट वाई शुड वी कंजर्व वाटर, हमें पानी का कंजर्व क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका संरक्षण, ये हम इसमें रीड करेंगे. वाटर इज ए वेरी प्रेसिस एंड वी शुड यूज इट केयरफुली, वाटर बहुत ही प्रेसिस है और उसको हमें केयरफुली इसका उपयोग में लेना चाहिए, बड़ी सावधानी पूर्वक. वी शुड नॉट वॉश क्लॉथ्स, बाथ और थ्रो गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज इन रिवर्स, तो हमें क्या करना चाहिए, जो गंदे कपड़े हैं वो इसमें नहीं धोने चाहिए, बाथ और थ्रो गार्बेज और इसमें नहाना नहीं चाहिए, और जो गार्बेज यानी गंदा कचरा है इस पानी में नहीं फेंकना चाहिए. एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज इन टू द रिवर, और जो रिवर के अंदर जो इंडस्ट्रियल का जो कचरा आता है, वेस्ट पानी आता है, वह भी इसमें नहीं फेंकना चाहिए, किसमें, रिवर्स में. मैरीन लाइफ कैन नॉट सर्वाइव इन पॉल्यूटेड वाटर,
और इससे जो क्या है हमारी जो लाइफ है वह वो जो पानी है वह प्रदूषण हो जाता है, जिससे हमारा जीवन संभव नहीं है। पीपल हु यूज पोल्यूटेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग सफर फ्रॉम मैनी डिजीज। अगर हम ये गंदा पोल्यूटेड पानी पीते हैं और इसे खाना बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां फैलती है। वी शुड मेक एफर्ट्स टू कीप वाटर क्लीन एंड नॉट वेस्टेड। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा साफ पानी पीना चाहिए और साफ पानी रखना चाहिए और नॉट वेस्ट इट, और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोइल रिसोर्स। अपने हमने वाटर रिसोर्स पढ़ लिया था, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोइल रिसोर्स। सोइल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो सोइल है बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स का इम्पोर्टेंट है। इट इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस इन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। तो ये जो सॉइल है ये हमारी अर्थ का सबसे ऊपरी परत है, पहली सतह है, जो कि हमारे प्लांट्स पौधे और ट्री को उगाती है। सॉइल मतलब पता है ना आपको, मिट्टी। सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सन। यस, सॉइल इज फॉर्मड। सॉइल कैसे बनती है, बाय द ब्रेकिंग अप टू रॉक्स इनटू, जब जो चट्टानी होती है वह टूट जाती है कि ना स्मॉलर पीसेज में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। कब, जब सूर्य का तेज रोशनी पड़ती है, रेन एंड विंड और बारिश, और बहुत तेज हवा चलती है, सूर्य की बहुत तेज रोशनी पड़ती है, तो वे जो बड़ी बड़ी चट्टान है छोटे छोटे पत्थर के रूप में टुकड़ों में टूट जाती है। द सन हीट्स, सूर्य की तेज रोशनी से रॉक्स एंड क्यूजेस देम टू क्रैक, जिससे क्या होता है, जो रॉक्स चट्टाने होती है वह टूटने का कारण बनती है। रेन बेस अगेंस्ट दीज क्रेक्ड रॉक्स एंड क्यूजेस देम टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। और जो रेन बारिश होती है ये इनको क्या करती है, आके इन जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उससे ये बहके आगे चल जाते हैं। क्यूज देम टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसका बनने का कारण बनती है। फास्ट विंड सेक्टर दीज पीसेस अबाउट, वो जो तेज हवाएं किसका कारण बनती है, इन पीसेज को आगे ले जाने का। ऑल दिस ग्रेजुअली ब्रेक्स द रॉक्स डाउन, और जो ये इस कारण से क्या होता है, ब्रेक्स द रॉक्स डाउन, जो चट्टानी होती है वह टूट जाती है इनटू ग्रेन्स ऑफ सोइल, जो कि सोइल बनने का कारण बनती है। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स देन कैरी दीज ग्रेन्स, और जो छोटे छोटे टुकड़े जाते हैं उनको क्या होता है, रिवर, जब बारिश होती है तो फिर ये पानी आता है, तो जैसे क्या रिवर अपने साथ बह बह के ले जाती है। सिल्ट एंड डिपोजिट देम अलोंग देयर बैंक्स एज दे फ्लोट टुवर्ड्स द सी, और ये कहाँ जाती है, सागर की तरफ जाती है रिवर्स। तो ये अपने जो किनारे हैं वहाँ पे ये सोइल को, इन टुकड़ों को छोड़ती हुई जाती है, जिससे कि सोइल का निर्माण बनता है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ सोइल प्रमोशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, और ये सोइल बनने का जो प्रोसेस है वह बहुत ही लंबे सालों तक चलता है। एज रॉक्स कंटेंट डिफरेंट केमिकल्स एंड मिनरल्स, और जो ये चट्टानी होती है इनमें डिफरेंट केमिकल्स और मिनरल्स होते हैं। द सोइल प्रमोट फॉर दीज रॉक्स आल्सो कंटेंट दीज सब्सटेंस, जो कि सोइल के अंदर ये रॉक्स के कारण है, जो इससे सब्सटेंस बनने का कारण बनती है। अब हम रीड करेंगे टाइप्स ऑफ सोइल, कि सोइल के कितने प्रकार होते हैं। इन इंडिया देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ सोइल, इंडिया के अंदर छह तरह की सोइल्स पाई जाती है। एलिवल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लेटेराइट सोइल, माउंटेन सोइल एंड डेजर्ट सोइल। ठीक है, एलिवल सोइल इज द मोस्ट फर्टाइल सोइल फाउंड इन इंडिया। एलिवल यानी जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही फर्टाइल मतलब मैंने बताया आपको, उपजाऊ होती है। फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में ये एलिवल सोइल मोस्टली रूप से पाई जाती है। इट इज ए मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी इलाकों में, द कोस्टल प्लेन्स में एंड द डेल्टा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, और जो वेस्ट बंगाल के डेल्टा है उसके अंदर ही, तटीय मैदानों में, उत्तरी मैदानों में और जो डेल्टा है वेस्ट बंगाल के, वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, एलिवल सोइल। इट इज ए वेरी रिच इन ह्यूमस, और इसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में ह्यूमस भी पाया जाता है। ह्यूमस इज ए सब्सटेंस मेड ऑफ द डेड लीव, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसकी डेड लीव्स और प्लांट से बनता है। विच मेक द सोइल फर्टाइल, जिससे कि सोइल फर्टाइल होती है एंड हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर, जिससे कि पौधे उगने में उसमें बहुत अच्छे रहता है। ए वेराइटी ऑफ क्रॉप सच एज राइस,
और इस जो मिट्टी से कौन कौन सी फसल काम होती है, राइस, व्हीट, मैज, शुगर कैन, तंबाकू, कॉटन, जूट, पल्स एंड ऑयल सीड ग्रो वेल इन एलुवियल सोइल। अभी एलुवियल सोइल जलोढ़ मिट्टी है, इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें अधिक मात्रा में होती है, चावल, गेहूं, मक्का, शुगर कैन बताना आपको, गन्ना, तंबाकू, कॉटन, जूट और प्लस यानी दालें, ऑयल सीड यानी तिलहन वाली जो अधिक मात्रा में होती है, किसमें, एलुवियल सोइल में। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लैक सोइल यानी कि काली मिट्टी, इसे डार्क इन कलर, इस ब्लैक सोइल इज डार्क इन कलर, इसका कलर बहुत डार्क होता है, किसका, ब्लैक सोइल का। इट इज ए फॉर्मेड बाय द ब्रेकिंग अप द रॉक्स मेड ऑफ लावा, और ये क्या किससे बनती है, ब्रेकिंग अप रॉक्स मेड ऑफ लावा, ये जब लावा निकलता है तो जो चट्टान होती है उससे ये ब्लैक सोइल बनती है। इट इज ए फाउंड इन द डेकन प्लेटू, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, डेकन प्लेटू में। दिस सोइल इज ए गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, और ये किसके लिए ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उपयोगी है, कॉटन, वीट, शुगर कैन एंड मिल्स के लिए ये ब्लैक सोइल बहुत ही अच्छी रहती है। नेक्स्ट है रेड सोइल, रेड सोइल इज ए फाउंड इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, रेड सोइल जो लाल मिट्टी है वह अधिकतर किन इलाकों में पाई जाती है, सदर्न स्टेट, सदर्न मतलब हमारे जो दक्षिणी स्टेट्स हैं उनमें ये अधिक मात्रा में पाई जाती है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, ये हमारे सदर्न स्टेट्स हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय। इसके साथ साथ दक्षिण के साथ साथ ये हमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि स्टेट्स में भी ये रेड सोइल मिलती है। द सोइल इज रेड इन कलर, इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है एंड इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, लेकिन ये अच्छी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, फर्टाइल नहीं होती है। क्रॉप्स लाइक ग्राउंडनट्स, तो इसके अंदर इस मिट्टी से कौन कौन सी फसल होती है, ग्राउंडनट्स, मूंगफली, मिल्स एंड राइस कैन बी ग्राउंड हियर, तो इससे कौन कौन सी फसलें उगती है, मूंगफली, माइल्स, राइस, इससे मिट्टी के द्वारा उगी जाती है। नेक्स्ट है लेटेराइट सोइल, इट इज़ ए फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इन ए हैवी रेन, ये जो लेटेराइट सोइल है ये कहाँ पाई जाती है, वहाँ उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है। इट इज फाउंड इन ए पार्ट्स ऑफ केरल, ये का सबसे ज़्यादा कहाँ, केरला, तमिलनाडु एंड मेघालय, वहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है। टी, कॉफ़ी एंड रबड़ कैन बी ग्रोन इन दिस सोइल, जो टी, कॉफ़ी और रबड़ है वह इस सोइल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है या उगती है। लेटेराइट सोइल कैन बी आल्सो बी यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, जो लेटेराइट सोइल है ये और किस काम में आती है, मेकिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी ईटे, ईटे बनाने भी लेटेराइट सोइल काम में आती है। नेक्स्ट है माउंटेन सोइल, इट इज़ ए फाउंड इन द माउंटेन्स रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, जो ये माउंटेन सोइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, माउंटेन इलाकों में, जो माउंटेन क्षेत्र है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाती है, क्या, कौन सी, माउंटेन सोइल। क्रॉप सच ए वीट, अब इसमें कौन कौन सी फसलें उगती है, वीट, मैज, बारेली एंड स्पाइस, टी एंड कॉफ़ी एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स आर ग्रोन हियर, तो इसके अंदर गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, मसाले, चाय और कॉफ़ी और फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स का अधिक उत्पादन होता है। अब है डेजर्ट सोइल, रेगिस्तानी मिट्टी, इट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट रीजन, अब डेजर्ट के नाम से पता चल गया होगा कि डेजर्ट इलाकों में ही पाई जाती है, तो कौन कौन से, राजस्थान एंड गुजरात, वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम जहाँ बारिश होती है वहाँ ये डेजर्ट सोइल मिलती है। द सोइल इज ए सैंडी, ये जो सोइल होती है थोड़ी रेतीली होती है एंड नॉट फर्टाइल, लेकिन और ये उपजाऊ भी नहीं होती है, बट विथ द हेल्प ऑफ इरीगेशन, लेकिन ये इरीगेशन सिंचाई में बहुत मदद करती है। क्रॉप्स लाइक वीट, माइल्स, डेट्स, पेरली, मैज, प्लसेस एंड कॉटन कैन ई ग्रो हियर,
और ये जो उत्पादन है, तो गेहूँ, मक्का, जवार, बाजरा, दालें, कपास, इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उगते हैं। यस, नेक्स्ट वाज़ अ कंजर्वेशन ऑफ सोइल। अब सोइल का कंजर्वेशन यानी संरक्षण कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल। अब हम सभी जानते हैं कि सोइल को कंजर्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाउ एवर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल, क्योंकि ये जो है सोइल, ये सबसे ऊपर वाली परत है, हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, विच इज यूजली द मोस्ट फर्टिलाइज लेयर, और ये सबसे उपजाउ होती है। गेट्स कैरिड अवे बाय विंड और रेन, और जो कि तेज हवा और बारिश से, लीडिंग टू सोइल इरेजन, जिससे कि हम मिट्टी का कटाव कहते हैं। जो बारिश और तेज हवा आती है, इसको अपने साथ पानी के साथ बहा ले जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सोइल इरेजन, यानी कि मिट्टी का कटाव। इरेजन इज आल्सो क्यूज्ड बाय अदर फैक्टर्स लाइक द कटिंग डाउन द ट्रीज। और ये जो मिट्टी कटाव है, इरेजन है, ये क्या है, इसका महत्वपूर्ण कारण और क्या है दूसरा। इसका एक और कारण है, जो अधिक मात्रा में जो पौधे को काटा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एड ऑफ द लैंड बाय डोमेस्टिक एनिमल्स इज आल्सो हार्मफुल, इज इट रिड्यूस द ग्रास कवर एंड लीव्स द सोइल एक्सपोज टू विंड एंड रेन। और एक और क्या कारण है, जो जानवरों के द्वारा सबसे बड़ा मेन कारण भी वही भी है, किसी जो सुपत्तियां होती है वो मिट्टी के अंदर डाली जाती है, तेज हवा और बारिश के कारण ये सब इसको बहुत हार्मफुल नुकसान पहुंचाता है, किसको, सोइल को। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, सोइल इरोजन रिड्यूस द फर्टाइल ऑफ सोइल, जो उस मिट्टी का कटाव है, इस जो मिट्टी जो सोइल है जो कितनी फर्टाइल है, इसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। हिंस वी मस्ट कंजर्व सोइल, तो इसके लिए हमेशा इसका सोइल का संरक्षण करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर, हमें अधिक से मात्रा में प्लांट ट्रीज एंड इंश्योर दैट ट्रीज आर नॉट कट डाउन इन ए लार्ज नंबर, हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए और जो पेड़ है उनको नहीं काटना चाहिए, जो कि बड़ी मात्रा में अभी काटे जा रहे हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोइल, और जो सोइल की जो क्वालिटी है उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। फार्मर शुड यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ताकि, और किसानों को क्या करना चाहिए, नेचुरल फर्टिलाइजर्स के द्वारा काउ डंग एंड कॉम्पास्ट एंड प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम लैंड। दिस प्रैक्टिस विद हेल्प टू कीप द सॉइल फर्टाइल एंड प्रिजर्व द सॉइल कवर। अब इस सॉइल को हमें किस हिसाब से बचाना चाहिए, तो जो किसान है, फार्मर्स है, उनको नेचुरल फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे काऊ का डंग एंड कॉम्पास्ट होता है उसके द्वारा, एंड प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, वो जो क्रॉप्स के जो हम उगाते हैं उनको हमें रोटेशन के द्वारा उन फसलों का काम में लेना चाहिए, कि एक बार दूसरी फसल, उसके बाद में दूसरी फसल उस लैंड पे उगानी चाहिए, सेम फसल नहीं करनी चाहिए, उनका जो रोटेशन चलाना चाहिए। दिस प्रैक्टिस विल हेल्प टू कीप, जिससे क्या होता है कि जो हमारी सोइल होती है वह फर्टाइल और प्रिजर्व रहती है, वह हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कौन सा, आवर नेचुरल रिसोर्स वाला, जिसमें हमने आज का रीड करा था वाटर एंड सोइल।